ये बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न का ऐलान किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता दें, बड़ी जानकारी पीएम मोदी ने खुद सोशल मीडिया पर जानकारी दी है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं, पीवी नरसिम्हा राव को भी भारत रत्न मिलेगा। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। इसके अलावा एमएस स्वामीनाथन को भी भारत रत्न दिया जाएगा। तो ये कुछ नाम है जो सोशल मीडिया पर शेयर किए गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से खुद ऐलान किया गया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इस बात का ऐलान किया गया कि शुभकामनाएं भी दी है पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर। और इससे पहले जैसा कि हमने आपको बताया कि एमएस स्वामीनाथन भी इसमें शामिल हैं, जिन्हें भारत रत्न दिया जाएगा। पीवी नरसिम्हा राव, इन्हें भी भारत रत्न दिया जाएगा। और चौधरी चरण सिंह को भी भारत रत्न मिलेगा। तो देश का सर्वोच्च सम्मान इन्हें दिया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को भी भारत रत्न का ऐलान किया गया है और साथ ही एमएस स्वामीनाथन को भी सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, हाल ही में लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने का ऐलान पीएम मोदी ने खुद सोशल मीडिया साइट एक्स पर किया था। और अब एक बार फिर से सोशल मीडिया के जरिए ये तीन नामों का ऐलान प्रधानमंत्री ने कर दिया कि शुभकामनाएं भी उन्हें दी है। भारत रत्न, जो कि देश का सर्वोच्च सम्मान है, किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए, अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए ये सम्मान दिया जाता है। विनीत कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए। विनीत, तीन और नाम सामने आ गए हैं, प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया है कि उन्हें भी भारत रत्न दिया जाएगा। हाँ जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से इनका योगदान भारतीय राजनीति में रहा है, भारत के विकास में रहा है और भारत की जो स्वतंत्रता के बाद जो जर्नी में थी उसमें जिस तरह से इनका योगदान रहा है, इसी को लेते हुए तीन और नाम जो है वो प्रधानमंत्री ने घोषणा की है। जिस तरह से हमने देखा कि इससे पहले जो है कर्पूरी ठाकुर को जो है वो भारत रत्न दिया गया था, लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया गया था और उसके बाद तीन नए नाम भी जो है वो प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा में कर दी है। काफी महत्वपूर्ण जो है इसे यह माना जा रहा है। हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो बीजेपी जो है या फिर वर्तमान की जो केंद्र सरकार है, उनका साफ तौर पे कहना है कि आजादी के या फिर भारत को विकसित करने के कई ऐसे महानायक है, गुमनाम नायक है, जिन्हें अभी तक पहचान नहीं दी गई। कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से उन्हें जो सम्मान दिया जाना था वो सम्मान जो है वो अभी तक नहीं दिया गया और इसी कड़ी में अब जो है वो कृतज्ञ राष्ट्र जो है भारत जो है वो उन महापुरुषों को या उनके योगदान को याद कर रहा, उनकी योगदान की सराहना कर रहा है और इसी कड़ी में जो है वो भारत रत्न के जो ऐलान है वो लगातार किए जा रहे हैं। पहले हमने देखा कि पहले दो नाम की घोषणा में की गई थी और उसके बाद अब जो है अब तीन नए नाम आए हैं। जी बिल्कुल, और काफी महत्वपूर्ण इनका योगदान हो जाता है। सिलसिलेवार तरीके से अगर हम बात करें विनीत, तो यहाँ पर पूर्व पीएम नरसिम्हा राव की सबसे पहले बात कर लेते हैं। काफी महत्वपूर्ण उनका योगदान रहा और चाहे सरकार में रहते हुए हो, राजनीति में उनका जो महत्वपूर्ण योगदान रहा और देश के विकास के लिए। जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिनको जो अब भारत रत्न जो है वो जो दिया जा रहा है उसमें मैं साफ तौर पर यह कहीं ना कहीं भेदभाव का जो आरोप लगाया जा रहा था। एक और बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर केंद्र सरकार लगातार ये कहती रही है कि पद्मा अवार्ड को जो जिस तरह से डेमोक्रेटाइज किया गया है, जिस तरह से पहले सिर्फ नामदारों को मिलता था लेकिन अब जो है लगातार यह कहा जा रहा है कि कामदारों को मिल रहा है। निश्चित तौर पर इसे एक बड़ा संदेश भी जाता है इससे विनीत, एक बड़ा संदेश जाता है। अब तक इसी साल की हम बात करें तो 5 लोगों को भारत रत्न का ऐलान किया जा चुका है, जो कि अपने आप में दिखाता है कि अगर आप किसी चीज में उत्कृष्ट कार्य करते हैं, महत्वपूर्ण योगदान अपना देते हैं तो उसके लिए सरकार सम्मानित भी करेगी। जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से साफ तौर
सरकार में तौर में पर भी में कहा जा रहा है कि जो सिर्फ एक परिवार से जुड़े हुए नहीं या फिर एक परिवार से अलग व्यक्ति जो है उन्हें में भारत रत्न जो है वो दिया जा रहा है। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न दिया गया है, कहीं ना कहीं जो भारत की अभी अर्थव्यवस्था है दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था जो है वो भारत बन गया है और आने वाले दिनों में भी भारत जो है वो विकसित राष्ट्र बनेगा या तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था जिसका दावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। उसकी नींव जो है फिलहाल विनीत आपको रोकना चाहूंगी। इंद्रजीत सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आरएलडी के उपाध्यक्ष हैं। कैसा लग रहा है इंद्रजीत जी, पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह को भी भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा? आज बड़ा ही गर्व हो रहा है और बड़ी खुशी का मैं इतना भावुक हो गया हूँ कि मैं आपको अपनी पूरी बात बता नहीं सकता कि इसमें काम में देरी हुई है, लेकिन कोई बात नहीं, देर से जागे। लेकिन आज केवल किसी जाट समाज से जोड़ के स्वर्गीय प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को नहीं देखना चाहिए, पूरी किसान बिरादरी को सम्मान देने की बात है। किसानों का मसीहा उन्हें कहा जाता था। 36 बिरादरी किसानी करती है। मैं इस काम को बार बार अपने दिल की गहराइयों से और प्रधानमंत्री जी को बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि बेशक उन्होंने देर करी, चौधरी अजीत सिंह जी के जो कोठी खाली कराई गई थी, जो उसका मन में दर्द था किसान बिरादरी के, जाट बिरादरी के, हम लोगों के मन में जो दर्द था, आज कहीं ना कहीं उस दर्द को दूर करने का काम प्रधानमंत्री जी ने करा है। मैं इस निर्णय का बहुत दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ और जरूर कहूंगा कि आगे जब इस तरीके के निर्णय लिए जा रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी भी, जो पड़ोसी राज्यों में किसानों को मूल्य ज्यादा मिल रहा है और हमारे उत्तर प्रदेश में कम मिल रहा है, वो भी इस पर जरूर मंथन करें और किसान बिरादरी के उत्थान की बात होनी चाहिए। ये आज बहुत ही गर्व का दिन है, बहुत ही खुशी का माहौल, आज बड़ा ही शुभ दिन है कि आज के दिन ये निर्णय लिया गया। मैं इस निर्णय का बहुत स्वागत करता हूँ। बिल्कुल, और बड़ी बात ये है इंद्रजीत जी कि जो एक संदेश जा रहा है जनता के बीच, उन्होंने किसानों के अधिकार के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, जो योगदान उनका रहा, जो किसानों के कल्याण के लिए उन्होंने तमाम कार्य किए, युगों युगों तक उन्हें याद किया जाता रहेगा और ऐतिहासिक हो गया है ये दिन। देखिए ना, आज प्रधान में ये स्वर्गीय चरण सिंह जी की जन्मतिथि हो या आपके उनके पुण्यतिथि हो, कुछ भी हो, हर देश का नेता, हर बिरादरी का नेता, हर आदमी उनके उस माहौल पे, उस समय पे जाके नमन करता है। उन्होंने ऐसे ही नमन को किसी को नहीं करा जाता है, कोई ना कुछ क्वालिटी रही है जो उन्होंने अचानक से थाने पहुंच जाना और थानेदार से बात करना और उसको सस्पेंड कर दे, बहुत से ऐसे हादसे मैं अगर बताने लगूंगा तो शाम तक शायद समय कम पड़ जाएगा, लेकिन आज जो भी हुआ वो अच्छा निर्णय है। कोई एक ऐसा किस्सा जो आज आप दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें जो अभी जहन में आपके आ रहा है, क्योंकि काफी भावुक भी आप हो रहे हैं इंद्रजीत जी? देखो, बात यह है कि उन्होंने कभी भी अपने परिवार की बात नहीं करी, हमेशा उन्होंने, उनको पता लग गया कि इस आदमी के साथ गलत हुआ है, वो किसी बिरादरी का है, उन्होंने उनके हक की लड़ाई लड़ी है और किसान बिरादरी को हक दिलाने की बात करी है, चाहे जमीन पट्टों की बात आई हो, चाहे कभी रेट की बात आई हो, कहीं भी कुछ भी बात आई है, उन्होंने सर्वप्रिय जो रखा है वो अपनी किसान बिरादरी को रखा है। जिस परिवार में वो पैदा हुए, किसान बिरादरी में वो पैदा हुए, उन्होंने कभी जातियों और धर्म में अपने को नहीं सीमित करा, कभी भी उन्होंने ये नहीं कि किसी विशेष जाति की बात करी हो, उन्होंने देश के उत्थान की बात करी, भारत के उत्थान की बात करी और किसान के हित की बात करी, किसान की तरक्की की बात करी। ये हमारे लिए एक, हमारे को एक बीच में एक अपने विरासत में ये चीजें दे गई हैं, जिस विरासत को चौधरी अजीत सिंह जी ने आगे बढ़ाया और आज जयंत चौधरी जी उसी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज। बहुत शुक्रिया, आपने अपने विचार साझा किए और शुभकामनाएं दी। हमारे साथ विजय बहुगुणा जी भी जुड़ गए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, उनसे शुभकामनाएं तो हम लेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कैसा लग रहा है आपको, केंद्र सरकार ने पूर्व पीएम नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने का ऐलान किया और खुद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर ये ऐलान किया है। मोदी जी के चरित्र की ये मानता है कि उन्होंने अपने पद का जो है वो गरमाज और बढ़ा दिए और ऐसे राष्ट्र के समर्पित नेताओं को उन्होंने आज भारत रत्न दिया, पहले कर्पूरी ठाकुर जी को दिया, नरसिम्हा राव जी को, चरण सिंह जी को, जिन लोगों का सारा जीवन समाज सेवा में, कल्याण में, और जो पिछड़े हैं, दलित हैं, किसान हैं, इनकी आवाज उठाने में, और नरसिम्हा राव जी का जो कार्यकाल था, सारा जीवन था,
जो हमारे इकोनॉमी को ओपन किया ग्लोबल, नरसिम्हा राव जी ने किया, और बहुत हर्ष की बात है, हम सब बहुत खुश हैं और बधाई देते हैं उनके परिवारजनों को जिनके की आज सम्मान दिया गया है, और फिर मोदी जी का एक बार बहुत बहुत आभार। और ये प्रधानमंत्री के पद की जो गरिमा है आज और उन्होंने ऊपर कर दी ये कदम उठा करके कि वो दलगत राजनीति के ऊपर भी राष्ट्र के सेवकों का सम्मान करते हैं। विजय बगुणा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो चौधरी चरण सिंह, एम एस स्वामीनाथन और पूर्व पीएम नरसिम्हा राव, ये तीन नाम हैं जिन्हें अब भारत रत्न दिए जाने का ऐलान किया गया है। खुद प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि हमारी सरकार का ये सौभाग्य है कि देश के पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। इसे अतुलनीय योगदान बताया है प्रधानमंत्री ने, और किसानों के अधिकार की वो बात करते रहे, चाहे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हों या देश के गृह मंत्री, यहां तक कि एक विधायक के रूप में भी हमेशा राष्ट्र निर्माण की गति उन्होंने बढ़ाई है। और पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर ये पोस्ट किया है और पोस्ट के जरिए ये ऐलान किया है। जयंत चौधरी ने कहा है कि दिल जीत लिया, और कई ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां भी हम लगातार आपको दे रहे हैं, लेकिन फिलहाल तीन ये बड़े नाम जिन्हें लेकर ऐलान किया गया है कि उन्हें भी भारत रत्न देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया जाए।